बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आइडिया स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे सैलरी यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मंथली यहाँ पे पूछा जाएगा, नेट मंथली सैलरी ऑप्शनल है तो इसको हम छोड़ देते हैं, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं 80,000 का यहाँ पे लिमिट मेरे को मिल चुका है। दोस्तों आज मैं अप्लाई करने वाला हूँ बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड, जिसका आप यूज करके अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो इसका यूज करके आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स, कोरमा डिजिटल, रिलायंस डिजिटल, कहीं भी आप शॉपिंग कर सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई पे। तो किस प्रकार से अप्लाई करना है चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करना है और आने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको दिए हुए बॉक्स में फिल करना है। जैसे आप एंटर करेंगे एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा फुल नेम, और ये फुल नेम आपका रहेगा पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट टाइप अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे सैलरीड यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मंथली यहाँ पे पूछा जाएगा, नेट मंथली सैलरी ऑप्शनल है तो इसको हम छोड़ देते हैं, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं 80,000 का यहाँ पे लिमिट मेरे को मिल चुका है, और ये 80,000 हम यूज नहीं कर सकते एक बार में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा नाम भी लिखकर आ चुका है मगर ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पर्सनल डिटेल्स अप्रूवल और केवाईसी वेरिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे अब देख सकते हैं फिर यहाँ पे कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपसे केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लोकेशन अलाउ कर देता हूँ, देन यहाँ पे चूज अ मेथड ऑफ योर चॉइस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे गेट केवाईसी डन यूजिंग डिजी लॉकर पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है, देन नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है, देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा, इसमें से आपसे पूछा जाएगा प्लीज एंटर योर सेक्रेटरी पिन टू साइन इन। तो यहाँ पे अगर आपने डिजी लॉकर पे पिन सेट किया है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करना है, हमें सीधे जाना है अलाउ के ऑप्शन पे, और जैसे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं केवाईसी एलिजिबल डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ आधार कार्ड को, और जैसे आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे कुछ नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगा, पूरा एड्रेस और यहाँ पे आपका फोटो भी देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर हमारा केवाईसी भी डन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पूछा जा रहा है, रिलेशनशिप डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, देन प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, टोटल लोन लिमिट 80,000 और फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट 50,000। तो मैं 50,000 का यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। अब हमें पेमेंट करना होगा, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ बताया गया है कि 1.5 लाख पार्टनर स्टोर से ई कॉमर्स वेबसाइट फ्रॉम सेकेंड ट्रांजेक्शन ऑनवर्ड यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं,
अब जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे 599 रुपीज का चार्ज देना होगा, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ से पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फिर आप देख सकते हैं 599 रुपीज का हमें यहाँ पे करना होगा। तो मैं यहाँ से पे कर लेता हूँ वाया क्यूआर कोड, देख लेता हूँ क्यूआर कोड है या नहीं, जनरेट क्यूआर कोड यहाँ पे देखने को मिल गया, तो मैं क्यूआर कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पे कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं पेमेंट डन हो चुका है, अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो देखने को मिल गया, बट यहाँ पे अभी आपको ये नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। ये नंबर आपको देखने को मिलेगा जब आप इस कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, तो मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रजिस्टर फॉर द ई मैंडेट टू एक्टिवेट योर कार्ड। अब ई मैंडेट क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई सामान परचेज कर लिया, तो आपके अकाउंट से जो अमाउंट है वो खुद डिडक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे मैंडेट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मैं एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हैं कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाता है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल करके आ जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, अब यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यू आर बीइंग ऑटो रिडायरेक्ट टू नेक्स्ट स्टेप। डायरेक्ट हमें कुछ ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये चला जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है व्यू कार्ड। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को जो लिमिट मिली है वो टोटल 80,000 का भी है, बट उतना यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ योर इंस्टा ईमेल कार्ड डिटेल्स कैन बी चेक एंड मैनेज ऑन माई अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैनेज करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, फिर वहां से आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स है। तो इस प्रकार से आप बजाज फिनसर्व जो कार्ड है ईएमआई कार्ड, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बताया। अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो वीडियो पे जरूर एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।